सैमसंग का H24 अल्ट्रा, H24 और H24 प्लस तीनों ही लॉन्च हो चुके हैं। टाइटेनियम बॉडी, AI डिस्प्ले के अंदर इंप्रूवमेंट, इस बार एक्साइटिंग अपग्रेड हुई है। ये फोन फुल्ली बेस्ड AI पर है, इसलिए सैमसंग ने इसका नाम गैलेक्सी AI रखा है। तीनों फोन सिमिलर है, बस कुछ कुछ चेंजेस है। चैट में, कॉल में, कैमरा में जो जो अपग्रेड हुए हैं मैं सब बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले AI के जो फ्यूचर आते हैं उनके बारे में बात करता हूँ। तीनों फोन में मिलते हैं AI के फ्यूचर। सबसे पहला फ्यूचर है सर्कल टू सर्च। आपको सिर्फ सर्कल बनाना है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक सर्च करना शुरू कर देगा गूगल के साथ, और उससे रिलेटेड सारी इमेजेस आपको दे देगा। आपका काम चुटकियों में हो जाएगा। जैसे एक प्लांट की फोटो है, उसको आपको पता करना है किस चीज का प्लांट है, तो सिर्फ इसमें सर्कल बना देना है, ऑटोमेटिक सर्च करके आपको बता देगा कौन सा प्लांट है। दूसरा है लाइव ट्रांसलेशन। आप जैसे बात करते हो तो जो नेक्स्ट पर्सन है वो इंग्लिश में बात करेगा, तो आपको हिंदी में मैसेज लिख कर आएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बात करते हैं और जो नेक्स्ट पर्सन होता है वो इंग्लिश में बात कर रहा होता है या स्पेनिश में, हम लोग को समझ नहीं आता। वही ट्रांसलेशन का काम होता है AI के जरिए से, तो इससे आपका काम और भी आसान होने वाला है। टेक असिस्टेंट में आपको AI जो है वो समराइज कर देगा आपके वॉइस रिकॉर्डिंग को, और आप जो भी रिकॉर्ड कर रहे हो उसको कन्वर्ट कर देगा टेक्स्ट में। AI इज फुल्ली क्रेजी दोस्तों। नोट असिस्टेंट क्या है? जैसे आप कुछ लिखते हो नोट्स में, नोट असिस्ट लंबे कहानी को छोटा बना देता है और बाद में आसान लैंग्वेज में आपके सामने लाता है, ताकि आप लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट बना सको। कहीं डाउट या कॉमा छूट जाता है तो इसे AI के जरिए से आपके नोट्स को सही कर देगा, और जहाँ जहाँ डाउट या कॉमा लगाना है वहाँ पर AI ऑटोमेटिक लगा देगा, इससे आपका नोट्स और भी अच्छा लगेगा। फोटो असिस्टेंट में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को टैप एंड होल्ड करना है, वो इमेज ऑटोमेटिक क्रॉप हो जाएगा और आपको जहाँ भी पेस्ट करना है आप कर सकते हो। रिसाइज रिटच का भी ऑप्शन है इसमें, आप इमेज को साइज, शेप एंड पोजीशन चेंज कर सकते हो AI के जरिए से। दोस्तों AI जो है वो नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है, कमाल का एक्सपीरियंस मिलने वाला है। H24 अल्ट्रा टाइटेनियम फ्रेम के साथ आता है, H24 प्लस और H24 एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ। H24 अल्ट्रा में 6.8 इंच फ्लैट डिस्प्ले मिलता है, H24 प्लस का 6.7 इंच और H24 का 6.2 इंच का डिस्प्ले मिलता है। H24 अल्ट्रा में कॉर्निंग गोरिल्ला आर्मोन का प्रोटेक्शन मिलता है, H24 प्लस और H24 में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन मिलता है। तीनों फोन में 2600 नीट्स पीक ब्राइटनेस, IP68 रेटिंग और डायनेमिक एमोलेड 2X डिस्प्ले मिलता है, जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। दोस्तों 2600 नीट्स पीक ब्राइटनेस जो कि आईफोन को भी पीछे छोड़ गया है। टोटल आपको 6 कलर ऑप्शन मिलता है H24 अल्ट्रा में। H24 प्लस में आपको 4 कलर ऑप्शन मिलता है और H24 में 5 कलर ऑप्शन मिलता है। दोस्तों आप लोग तो जानते ही हो गैलेक्सी सीरीज का सबसे यूनिक चीज जो है वो है एस पेन, और भी इम्प्रूव देखने को मिलता है। एस पेन सिर्फ H24 अल्ट्रा में मिलता है। इसमें आपको 4 कैमरा सेटअप मिलता है। मेन कैमरा 200 मेगापिक्सल का वाइड एंगल 2x ऑप्टिकल जूम के साथ आता है, और एक कैमरा 50 मेगापिक्सल का 5x ऑप्टिकल जूम के साथ। फिर मिलता है 10 मेगापिक्सल का 3x ऑप्टिकल जूम। H24 प्लस में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 50 प्लस 10 प्लस 12 मेगापिक्सल। H24 में भी ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 50 प्लस 10 प्लस 12 मेगापिक्सल। डिजिटल जूम आपको नेक्स्ट लेवल की मिलने वाली है। H24 अल्ट्रा में 100x, H24 प्लस में 30x, अगेन H24 में 30x। तीनों फोन में लेटेस्ट HDR के साथ आता है। ये HDR तब भी काम करता है जब आप सोशल मीडिया ऐप कैमरा से शूट कर रहे हो। इंडोर और आउटडोर दोनों से ही प्रो लेवल का फोटो मिल जाता है। 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा तीनों में मिलता है। आप इससे अल्ट्रा HD 8K 30fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट प्रोसेसर आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 का मिलता है, जो कि अब तक का सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर सिर्फ H24 अल्ट्रा में मिलता है। बाकी H24 प्लस H24 दोनों में Exynos 2400 का चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि सैमसंग का अपना प्रोसेसर है। NPU 40%, GPU 30% और 20% CPU और भी इम्प्रूव और भी फास्टर हुआ है। ये सबको और भी पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी मिल जाती है H24 प्लस में 4900mAh की, और H24 में 4000mAh की। वेट H24 अल्ट्रा का 232 ग्राम है, H24 प्लस का 196 ग्राम और H24 का 167 ग्राम। स्टोरेज H24 अल्ट्रा का बेस
स्पेस 256 GB से स्टार्ट होता है, 1 TB तक जाता है। S24 प्लस में 256 से लेकर 512 GB तक जाता है और S24 में 128 GB से लेकर 512 GB तक मिलता है। S24 अल्ट्रा और S24 प्लस में आपको 12 GB का रैम मिलता है और S24 में 8 GB का। S24 अल्ट्रा का स्टार्टिंग प्राइस 1,44,999 है, S24 प्लस का 1,09,999 है और S24 का 79,999 है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।